वेलकम, दिस इज जी मिंटो सुष्मिता त्रिपाठी एंड आई वेलकम यू ऑल टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ हॉलीवुड। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। अगर आपको सब कुछ क्लियर सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, तो एक एक बार ही बता दीजिएगा। किसी को कोई दिक्कत दुख परेशानी? कहाँ हूँ आप मैम? अच्छा, तुम लोगों को मैं दिख नहीं रही थी इसलिए पूछ रहा हूँ कहाँ हूँ आप मैम। आ तो गई। शैल वी स्टार्टेड? डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ठीक है? एक एक बार अपने फ्रेंड्स के साथ में जरा इसे शेयर कर दो ताकि बाकी लोग भी हमारे सेशन में हमें ज्वाइन कर सके। ओके ओके, चलो, नो दिक्कत नो परेशानी। इससे अच्छा क्या हो सकता है कि एक सेशन में कोई दिक्कत और दुख परेशानी नहीं हो रही है। इससे ज्यादा अच्छा मेरे लिए कुछ नहीं होता है। ओके, डू शेयर इट वंस, एक बार अपने फ्रेंड्स में जो है इसे शेयर कर दो सो दैट ऑल ऑफ देम कैन ज्वाइन अस। तादाद देख रहे हो ना कितनी ज्यादा है। Once again, people. अब एक लोग बढ़े हैं। मैं इतनी देर से बोल रही हूं इसे शेयर कर दो तो एक लोग बढ़ गया है शेयर करने से। ओके, चलो डिनर हो गया तुम लोगों का या अभी तुम लोगों को भी डिनर करना है? मेरा डिनर अभी रेडी तक नहीं हुआ है, तो करने की बात तो बहुत ही डिफरेंट है। ओके, सो तुम लोगों का हुआ या अभी तुम लोग भी प्लान कर रहे हो क्या खाया जाएगा, क्या बनाया जाएगा? कोई ऐसा जो मेरी लाइन में मेरे साथ खड़ा हो रहा है जो बताएगा कि हाँ जी मैडम की अभी हमने भी सोचा नहीं है क्या बनेगा। ओके, तो मेरे वहाँ पे सब वेजिटेबल्स कट हुई हैं, रखी हुई हैं, बट अभी तक सोचा नहीं गया कि इसका बनेगा क्या। वेजिटेबल्स बस हुई हैं बिकॉज टाइम ही नहीं मिला है कि सोचा जाए। नो डिनर टुडे? हाँ, ऐसे क्यों कर रहे हो? चलो दोस्तों, अब शुरू करते हैं अपने सेशन को और हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। उसके पहले जरा हम लोग देख लिया जाए कि आज हम लोगों को कैसे मोटिवेट होना है, आज क्या सोच के खुद को मोटिवेटेड रखना है। ओके, एक सेकेंड, मैं जरा तुम लोगों के सामने से स्क्रीन गैप करूं। यस, वेल एंड गुड। सो एज यू कैन सी हियर, आज की खास खबरें। एक टाइम बनाते हैं मैम, एक टाइम खाएं। वाओ, लिट्टी चोखा। ओके, सो चलो, मोटिवेट हुआ चाहे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, पुश हार्डर देन यस्टरडे इफ यू वॉन्ट अ डिफरेंट टुमारो। ऑब्वियसली अगर हम लोग आज जो भी है, इफ वी आर कंटेंट, ठीक है, खुद में बहुत ज्यादा सेल्फ सेटिस्फाइड एंड कंटेंट है एंड वी नो कि हमारी लिमिट यहीं तक है, तो फिर तो एवरीथिंग इज लिमिटेड। बट इफ वी स्टार्ट थिंकिंग कि वी कैन डू बेटर, वी हैव अ डिफरेंट स्कोप एंड वी नीड समथिंग मोर, देन वी कैन डू वन मोर थिंग, वी कैन पुश। ओके, एंड वॉट एवर वी हैव टू डू शैल बी बेटर देन दैट वॉट वी हैड डन यस्टरडे, ठीक है? उससे हमें अच्छा करना है तभी जाकर हम लोग आगे बढ़ेंगे, वरना कोई स्कोप नहीं है, कहीं नहीं जाएंगे, यहीं के यहीं रहेंगे, कुछ नया नहीं होने वाला हमारी लाइफ में। ओके, इन ऑर्डर टू अचीव अ बेटर फ्यूचर यू नीड टू पुश हार्डर। ओके, तभी जाके आपका जो भी टुमारो है वो आपका बिल्कुल ही अलग होगा, डिफरेंट होगा, ओनली इफ यू आर ट्राइंग टू डू इट फ्रॉम टुडे ओनली, ठीक है? और ये भी नहीं कि बैठ जाओ आराम से करो, कल करेंगे, परसों करेंगे, देखा जाएगा, नो, यू हैव टू डू इट नाउ। और हमेशा जो आगे वाला टाइम होता है वो ज्यादा डिमांडिंग होता है, वो ज्यादा अच्छा होगा तो ज्यादा डिमांडिंग होगा, इसलिए आपकी मेहनत भी ज्यादा होगी, इजंट इट? ओके, चलो अब जरा देखते हैं आज की न्यूज की हाइलाइट्स। भारत सुब्रमण्यम बिकम्स इंडिया 73rd चेस ग्रैंड मास्टर। इजाज पटेल वोटेड आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर दिसंबर 2021 आफ्टर रिकॉर्ड 10 एफआर वर्सेस इंडिया। गवर्नमेंट सर्वे 17.78 लाख केसेस सॉरी एकर्स ऑफ डिफेंस लैंड यूजिंग ड्रोन एंड सैटेलाइट एंड टेक्नोलॉजी। स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक टू बी ऑर्गेनाइज फ्रॉम जनवरी 10 टू 16 टू बूस्ट एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम। India to add 10 gigawatt renewable energy capacity in 2022. MOU signed between Assam and government and NBBD for dairy development.
केरल आर्ट्स एंड क्राफ्ट विलेजेस विंस इंटरनेशनल अवार्ड, रियल जीडीपी टू ग्रो एट अराउंड 9.5% इन FY 2022, SBI इको रैप। नरेंद्र मोदी अनवील्स न्यू कैंपस ऑफ चित्रांजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट बिल्ट एट ₹530 करोड़ इन कोलकाता। कन्नड़ राइटर चंपा पासिस अवे। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी विंस स्कॉच अवार्ड फॉर बैटलिंग क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन। तो ये आज हमारे वहां पे इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग आज की खबर की तरफ। कौन है ये ईगर टू स्टार्ट वाला? अरे यार, कोई भी सोचेगा जल्दी से स्टार्ट किया जाए, नॉट नॉट एन इशू विद दैट, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। चलो शुरू किया जाए हम लोग, है ना। मूविंग टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। सबसे पहले क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, हु बिकेम इंडिया 73rd चेस ग्रैंड मास्टर? भारत सुब्रमण्यम, मित्राभा गुहा, संकल्प गुप्ता, राजा ऋत्विक। क्वेश्चन को देखो, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि इंडिया में जो है 73rd चेस ग्रैंड मास्टर अभी अभी कौन बना है? व्हाट इज द आंसर? ओके, आई एम गेटिंग आंसर्स एज भारत सुब्रमण्यम। तुम लोग की यार स्ट्रेंथ बहुत कम है क्लास की, कोई खास बात है क्या? कसम खा लियो, कम ही करते जाएंगे। सी योर द आंसर विल बी व्हाट? अभी अभी जो हमारे वहां पर 14 ईयर ओल्ड भारत सुब्रमण्यम जी हैं, ये 73rd चेस ग्रैंड मास्टर बनाए गए हैं आफ्टर कंप्लीटिंग हिज थर्ड एंड फाइनल ग्रैंड मास्टर नॉम एट वर्गानी कप ओपन इन इटली। The Chennai based player scored 6.5 points from 9 rounds along with 4 others to finish 7th overall in the event. ठीक है, तो याद रखी रहेगा। हाँ, 72nd पर मित्रा थे और 71st पे आपके संकल्प गुप्ता जी थे। ठीक है, तो याद रखी रहेगा, दैट इज अ वेल एंड गुड थिंग। ठीक है नालन, ओके। सो ही सिक्योर्ड हिज थर्ड ग्रैंड मास्टर नॉम हियर एंड ऑल्सो पास द रिक्वेस्ट आई 2500 एलो मार्क। ठीक है, तो ये एलो मार्क के बेसिस पर इन लोगों को क्या बनाया जाता है? एलो मार्क के ही बेसिस पर इन लोगों को ग्रैंड मास्टर्स बनाए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं तो जो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन है, यही इनको जो है अभी अपने एंड से कॉन्ग्रेचुलेट किया है। कहाँ को बिलोंग करते हैं याद रखे रहेगा, चेन्नई को बिलोंग करते हैं। फिर एक और भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखे रहना आप लोग, कि हमारे वहाँ पर जो पहले ग्रैंड मास्टर थे दैट वॉज विश्वनाथन आनंद, ये भी कहाँ को बिलोंग करते हैं? ये भी तमिलनाडु को बिलोंग करते हैं। मोस्ट ऑफ द ग्रैंड मास्टर्स जो होते हैं ये कहाँ को बिलोंग करते हैं? तमिलनाडु को ही बिलोंग करते हैं। एक सेकेंड रुको, मैं जरा गायब हो जाऊँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी वजह से स्क्रीन छिक रही है। चलो अच्छा, अगर मैं आपसे चेस रिलेटेड कुछ और बातें कर लूँ, या मैं अगर आपसे बात कर लूँ कि कभी भी ग्रैंड मास्टर्स बनना होता है तो ये एलो मार्क क्या होता है, ठीक है, तो हो सकता है एग्जाम में जैसे अभी चेंज हो रहा है पैटर्न, हो सकता है आगे आने वाले टाइम में बाई चांस पूछ भी लिया जाए कि एलो मार्क क्या होता है, एलो स्टैंडिंग ये रेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो आप लोग कह सकते हो कि कभी भी जो स्किल प्लेयर होता है, जो हम लोग जीरो सम गेम कहते हैं, ठीक है, जीरो सम गेम जो है ये चेस एक कैटेगरी का होता है, तो जहां भी जीरो सम गेम होता है यहाँ पे एलो रेटिंग की ही यूज की जाती है और इसी के हिसाब से पॉइंट्स को डिसाइड किया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है किस गेम के लिए इसको यूज किया जाता है, तो ये जीरो सम गेम के लिए यूज किया जाता है। ओके, अगली बात, हमारे वहां के पहले ग्रैंड मास्टर कौन बनाए गए थे? हमारे वहां के सबसे पहले ग्रैंड मास्टर बने थे विश्वनाथन आनंद जी, इनको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अगर मैं आपसे कुछ और चेस रिलेटेड अभी हाल फिलहाल की बातें कर लूं तो याद रखिएगा, अभी कुछ दिन पहले की बात है कि हम लोग वहां पे जो नदीर बिक, ये आपके कहाँ को बिलोंग करते हैं? उज्बेकिस्तान। ये अभी अभी क्या जीते थे? ये अभी अभी पहला वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप जीते हैं, वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप जीते कौन है? इनका नाम है नदीर बिक, इनको पहले याद रखे रहो। फिर और क्या याद रखना है? फाइट चैंपियनशिप, फाइट चैंपियनशिप जो अभी दुबई एक्सपो में हो रही थी, इसमें कौन जीते थे? मैग्नस कार्लसन, ठीक है, ये ING को हराए थे जो रशिया के थे। और ये वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप में भी ING ही हारे हैं, ये याद रखे रहिएगा, ये दोनों जगह हार गए बेचारे। इसके अलावा एक और भी बात आप लोग याद रखे रहिएगा कि मैग्नस कार्लसन फाइट चैंपियनशिप के अलावा एक और इंपॉर्टेंट चैंपियनशिप जीते थे, इसका नाम था मेल्ट वाटर। क्या नाम था? मेल्ट वाटर चैंपियनशिप। ये भी कौन जीता था? ये भी आपके मैग्नस कार्लसन जी इस बार जीते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस वन मोर थिंग, GMP INEAN, कौन? GMP INEAN, इनको भी याद रखे रहो, इनका भी इंपॉर्टेंट है। ये रुजना जोरा चेस चैंपियनशिप जीते हैं, ठीक है, रुजना जोरा चेस चैंपियनशिप। तो ये कुछ हाल फिलहाल की बातें थी जो हम लोगों को याद रखनी है, बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछे जा सकते। ओके हाँ भाई, किसी को कोई दिक्कत दुख परेशानी? चलो अभी मैं काफी स्क्रीन ले रही हूँ, एक सेकेंड जरा मैं गायब हो जाऊँ यार, बहुत स्क्रीन ले रही हूँ। ओके आ जाओ, अगर हम लोग देख लेते हैं कुछ और रिलेटेड बातें, तो भारत सुब्रमण्यम जो कि हमारे 73rd चेस ग्रैंड मास्टर बने, इनकी थोड़ी और हम लोग डिटेलिंग देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो,
14 साल के भारत सुब्रमण्यम जी इंडिया के 73rd चेस ग्रैंड मास्टर बने, अपना थर्ड और फाइनल जीएम नॉम कंप्लीट करके। तो याद रखिएगा ये कहाँ को बिलोंग करते हैं, चेन्नई को। कोई भी बात ऐसी नहीं है जो आप लोगों को भूलना है, ठीक है। इसके अलावा ये आप लोग याद रखिएगा कि इन्होंने अपना पहला ग्रैंड मास्टर नॉम जीता था 11th एरोफ्लोट ओपन इन मॉस्को इन फरवरी 2020, तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। इनका जो सेकेंड नॉम था ये अक्टूबर 2021 में इन्होंने जीता था। और इसके अलावा ये एक इंटरनेशनल मास्टर भी बन गए थे 11 ईयर्स ऑफ एज में। कब बने थे? 2019 में, ठीक है। तो ये पॉइंट्स इनके बारे में याद रखे रहेगा, ओके। चलो खैर, अगर हम लोग थोड़ी और बातें कर लेते हैं तो ये देख लो, नोदिर बेग अब्दुस्तरोव, ये वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप जो मैंने आपको अभी बताया। इसके अलावा मैग्नस कार्लसन जी फाइट चैंपियनशिप जीते हैं। और इसके अलावा ये और जीते थे मेल्ट वाटर, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखे रहना। अगला देखो, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अनाउंस किया है एजाज पटेल जो कि विनर ऑफ आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ बनाए गए हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि ये क्रिकेटर हैं जो किस टीम से खेलते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया या न्यूजीलैंड? व्हाट इज द आंसर बताइएगा। द क्वेश्चन इज व्हाट, कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अनाउंस किया एजाज पटेल जी को कि ये विनर है आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ, ओके। द क्वेश्चन इज नाउ कि ये कौन सी टीम से खेलते हैं। ऑप्शन आपके सामने, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, न्यूजीलैंड। Easiest for today that we can say the answer will be what? Yes, the answer here will be New Zealand. He plays for New Zealand. तो आओ जरा देखते हैं, अभी इन्होंने बड़ा कमाल भी किया था। New Zealand spinner है एजाज पटेल जी, ये recently record 10 for जीते थे, 10 innings against India, ये India के ही against जीते थे, बताओ। खैर, so he was named the winner of ICC Men's Player of the Month award for December 2021. New Zealand एजाज पटेल made history in December when he picked up 10 wickets in an inning against इंडिया एट वांगड़ी स्टेडियम, बिकमिंग ओनली थर्ड प्लेयर इन अ टेस्ट टू अचीव दैट फीट आफ्टर जिम लेकर एंड अनिल कुंबले, ओके। एक और भी बात याद रखिएगा, बाई चांस अगर आप लोगों से पूछ लेता है कि ये जिम लेकर कौन सी टीम को बिलोंग करते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? हाँ, ये है आपके इंग्लिश क्रिकेटर, ठीक है। तो एक इनिंग में 10 विकेट लेने वाले एक आपके अनिल कुंबले इंडियन, जिम लेकर ये इंग्लिश क्रिकेटर हैं, और न्यूजीलैंड के एजाज पटेल, ये अभी तक केवल 3 ही ऐसे प्लेयर्स हैं जो ये अचीव किए हैं इस हाइट को। और अभी फिलहाल में एजाज पटेल जी को प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया है दिसंबर के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखे रहिएगा। हो सकता है आप लोगों के एग्जाम में बाई चांस पूछ ले, क्योंकि इन्होंने ये अचीव किए हाइट जो कि बहुत ही बड़ी है एक्चुअली, ओके। इसके अलावा एक और भी चीज आप लोग जरा ध्यान रखिए कि पटेल जी ने पिक किए थे 10 के 10 विकेट पहली ही इनिंग में इंडिया के अगेंस्ट, ठीक है। एंड इन सेकेंड इनिंग ही पिक्ड अप 4 विकेट्स इंक्लूडिंग दैट ऑफ ओपनर्स मयंक अग्रवाल एंड चेतेश्वर पुजारा। एनीवे, अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो आईसीसी का हेड ऑफिस कहाँ पर होता है? ये होता है यूएई। फाउंडेशन की गई थी 15th of June 1909 को। डिप्यूटी चेयरमैन ख्वाजा साहब है और चेयरमैन आपके कौन है? ग्रेग बार्कले, ठीक है। हाँ, तो इन लोगों को याद रखिएगा। जियो फिलॉर्डिस यहाँ के सीईओ बनाए गए हैं, इनको भी ध्यान रखना। जितनी भी इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट को लेकर चीजें होती हैं, ये उसे क्या करते हैं, ये उसे वो करेंगे, गवर्न करेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने जसप्रीत बुमराह जी के बारे में भी पढ़ा था कि अभी अभी इन्होंने क्या नया रिकॉर्ड बनाया था। एनीवन हु रिमेम्बर्स? हाँ, मेरा क्वेश्चन क्या है, अभी हाल फिलहाल में जसप्रीत बुमराह जी अभी ये कौन सा रिकॉर्ड बनाए हैं, किसी को याद आ रहा है? हाँ, तो ये 100 विकेट माइलस्टोन अचीव किए थे। क्या किए थे? 100 विकेट माइलस्टोन अवे फ्रॉम होम कैटेगरी में, ठीक है। इनको जरा आप लोग याद रखे रहिएगा, क्वेश्चन आपसे इनसे भी पूछा जा सकता है। फिर मोहम्मद शामी जी ने क्या रिकॉर्ड बनाया था, हो सकता है ये भी आपसे पूछ लिया जाए कि मोहम्मद शामी जी ने अभी हाल फिलहाल में कौन सा एक नया रिकॉर्ड क्रिएट किया है, ये भी न्यूज में थे हमारे, ठीक है। तो इसका आपका क्या आंसर होगा बताते चलो, मोहम्मद शामी का तुम लोग बताओ, इनका याद रखे रहना। ये 100 विकेट्स अवे फ्रॉम होम इन्होंने अचीव किया था जसप्रीत बुमराह जी ने, मोहम्मद शामी तुम लोग बताओ। अब हम लोग जरा देख लेते हैं आईसीसी से रिलेटेड अभी हाल फिलहाल की न्यूज। तो जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, इन्होंने मंगोलिया, तजिकिस्तान, स्विट्जरलैंड को इंडक्ट किया है अपने 78th एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर। मंगोलिया, तजिकिस्तान यहाँ पे 22nd और 23rd मेंबर्स होंगे, ओके, एशिया रीजन के। स्विट्जरलैंड यूरोप का 35th मेंबर होगा। और इसके साथ में आईसीसी के पास में अब 106 मेंबर्स होंगे टोटल, इंक्लूडिंग 94 एसोसिएट्स। अगले इसका देखो, अहेड ऑफ 2021 मेंस टी20 वर्ल्ड कप इन यूएई एंड ओमान, द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल एंड यूनिसेफ हैव सेड दैट दे वुड पार्टनर टू हेल्प ब्रेक द स्टिग्मा अराउंड मेंटल हेल्थ बाय रेजिंग अवेयरनेस अबाउट द इशू अमंग चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट, ओके। इसके अलावा हम लोग थोड़ी और बातें कर लें अगर रिलेटेड, तो जो लेजेंड लीग क्रिकेट है, इन्होंने अपॉइंट किया झूलन गोस्वामी को एम्बेसडर टू इट्स ऑल वुमेन मैच ऑफिशियल टीम
टू प्रमोट वुमेन्स एम्पावरमेंट इनिशिएटिव ऑफ LLC एंड टू इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन क्रिकेट. ठीक है, ये पॉइंट्स आप लोग याद रखे रहेगा, इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं. गवर्नमेंट रिसेंटली कंप्लीटेड द सर्वे ऑफ 17.78 लाख एकड़ ऑफ डिफेंस लैंड यूजिंग ड्रोन एंड सेटेलाइट टेक्नोलॉजी. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वॉज द नोडल एजेंसी फॉर द सर्वे. ऑप्शन देखो, डायरेक्टोरेट जनरल रिसेटलमेंट, डायरेक्टोरेट जनरल डिफेंस स्टेट, डायरेक्टोरेट ऑफ पब्लिक रिलेशन, डायरेक्टोरेट ऑफ स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन सर्विसेज. क्या आंसर होगा? नहीं बताओगे? मुझे दो आंसर्स मिल रहे हैं, एक आंसर है बी, एक आंसर है डी. बताओ भाई, सभी लोग बहुत स्लो स्लो आंसर्स कर रहे हो. देखो पहले ध्यान से पढ़ना, आपसे बोला क्या जा रहा है कि ये किसने किया है, ये आपकी डिफेंस मिनिस्ट्री ने किया है ना, और आपसे पूछा गया कि इसको किसने किया है. और हम लोग पढ़ते हैं तो तुम लोग को अपने आप ही आंसर्स मिल जाएंगे. ठीक है, चलो इस न्यूज को हम समझने की कोशिश करते हैं. कुछ लिखा नहीं ऐसी चीज कोई न्यूज में नहीं है, न्यूज में सीधी सीधी सी आपसे बात लिखी हुई है कि अभी हाल फिलहाल में जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, इन्होंने एक सर्वे किया है 17.78 लाख एकड़ ऑफ लैंड का, जो कि ओन की जाती है इसी मिनिस्ट्री के द्वारा, यानी कि रक्षा मंत्रालय के द्वारा ये लैंड है जिसकी इन्होंने सर्वे की है. अब इस जो भी एक्सरसाइज किया गया सर्वे को, इसमें बताया गया है कि जो 1.61 लाख एकड़ है डिफेंस लैंड का 62 कैंटोनमेंट में, और 16.17 लाख एकड़ आउटसाइड द कैंटोनमेंट, इसकी सर्वेइंग की गई है. और लैंड होल्डिंग जो है ये ओवरऑल बताया गया है कि अप्रोक्सीमेटली 4900 लोकेशंस में है पूरे भारतवर्ष में. अब इसमें से 16.38 लाख एकड़ जो है ये आउटसाइड है कैंटोनमेंट के, और 18,000 जो है ये प्रपोज किया गया है डिलीशन के. अब आप सोचते होगे कि इतना क्यों किया जा रहा है, इसका क्या मकसद था, ऐसा क्या जरूरत हो गई कि ये किया जा रहा है. तो बेसिक कुछ है नहीं इसमें, बहुत छोटी सी एक बात है कि हम लोगों के वहां पे जो हमारी ये रक्षा मंत्रालय है, इन्होंने इस सर्वेइंग को किया है ताकि वो देख सके कितनी ऐसी लैंड है जो इनके अंडर अभी तक है. कई बार ऐसा होता है कि ये अपनी लैंड सामने वाले किसी और पार्टी को दे देती हैं, किसी और, मतलब हो सकता है कि किसी और की नीड हो या कोई और ऐसी फोर्स हो जिसको इन्होंने दे दिया हो, लेकिन ऑन पेपर ये सारी चीजें ना हो. ठीक है, तो उसी को कंप्लीट करने के लिए इन्होंने अभी अभी क्या है, एक सर्वे किया है. ओके, यही आपके सामने में लिखा हुआ है कि इस सर्वे किया गया है, और इस सर्वे में बताया गया कि ओवरऑल कितनी की सर्वेइंग की गई है, कितने कैंटोनमेंट को इंक्लूड किया गया है, कितने लोकेशंस को इंक्लूड किया गया है. ठीक है, और एक और भी बात याद रखिएगा कि जो सर्वे है ये अक्टूबर 2018 में जो है शुरू किया गया था, जब सर्वे टेक्नोलॉजीज में हम लोग ड्रोन्स को, इमेजिनरी सैटेलाइट्स वगैरह को लेना शुरू कर दिए थे. तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टोटल लैंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और टोटल नंबर ऑफ कैंटोनमेंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम लोगों को ध्यान देना होगा. कितने कैंटोनमेंट? 62 कैंटोनमेंट. इतनी बातों को आप लोग याद रखना, इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा. अगले देख लो, इस जो ये सर्वे हुआ है इसमें रियल टाइम डिटेक्ट किया गया है एनरोचमेंट, इसको इनिशिएट किया गया है, फिर पायलट टेस्ट किया गया है सैटेलाइट इमेजरी ऑफ डिफेंस लैंड पॉकेट प्रोक्योर्ड फ्रॉम नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद, यहां से किया गया, इसको जरा ध्यान रखे रहना. ओके, ये कुछ पर्टिकुलर चीजें थी जो शायद आप लोगों से पूछी जा सकती हैं. क्वेश्चन कैसे बनेगा, कौन सी मंत्रालय ने किया है, कितने एकड़ ऑफ लैंड का किया है, कितने कंटोनमेंट में किया है, या पहली बार ऐसी सर्वे इमेजरी सैटेलाइट्स को लेकर के कब से शुरू की गई है. तो ये 4 क्वेश्चन हैं जो यहाँ से एक्सपेक्टेड हैं एग्जाम के लिए. ओके, अब देख लो भाई, जरा हम लोग कुछ हाल फिलहाल की इनकी न्यूज की बात कर लेते हैं, अभी क्यों ये न्यूज में था. सबसे पहले देखो, जो DRDO है इन्होंने सिलेक्ट किया था पारस डिफेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी को, कि इन्हें हैंड करेंगे अपना टेक्नोलॉजी ऑफ बॉर्डर सर्विलांस सिस्टम एज डेवलप्ड बाय इंस्ट्रूमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट एंड DRDO. ये जो टेक्नोलॉजी है इसको ट्रांसफर किया गया है एक लाइसेंसिंग अग्रीमेंट के द्वारा फॉर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर बॉर्डर सर्विलांस सिस्टम एंटर्ड बिटवीन कंपनी इंस्ट्रूमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट. इसके अलावा DRDO ने अभी अभी सक्सेसफुली कंडक्ट किया था एक फ्लाइट टेस्ट ऑफ इंडिजिनियसली डेवलप्ड हीट, दैट इज हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास की. ठीक है, और ये कहाँ से किया गया था, इसको ओडिशा कोस्ट से इनकी टेस्टिंग की गई थी. ये पॉइंट्स को आप लोग ध्यान रखे रहना. किसी को कोई दिक्कत दुख परेशानी, ज्यादा या कम समझ में आ रहा है? ओके, चलो अगला देख लेते हैं. अच्छा हाँ, ये कौन करेगा, ये आपकी डिफेंस स्टेट करेगी. ठीक है, इसको देख लेना, ये नाम से ही क्लियर था यार, इसको डिफेंस स्टेट करेगा. ठीक है, चलो अगला देख लो. आओ
और ये वाला भी याद रखना कि इंडियन आर्मी ने क्या कहा है, अब ये नया मैसेजिंग एप्लीकेशन लॉन्च करेगा असिग्मा, जो कि व्हाट्सएप फेसबुक की जगह पर यूज कर सकते हैं, ताकि मतलब इन लोगों की सारी सिक्योरिटी भी इनके पास में रहे, मैसेजेस सिक्योर रहे। ओके अब देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग वीक इज ऑर्गेनाइजिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्गेनाइजिंग द फर्स्ट एवर स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक फ्रॉम January 10 to 16। इनमें से कौन पहली बार अपने वहां पर स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक सेलिब्रेट करने वाला है या ऑर्गेनाइज करने वाला है? DPIIT, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, व्हाट इज द आंसर? नहीं बताओगे? द आंसर विल बी व्हाट? द आंसर विल बी DPIIT। ठीक है यार, तुम लोग थोड़ा सा पहले तो सेशन को शेयर वेयर कर दो, पता नहीं क्या हो जाता है। ओके तो शेयर मारते चलो भाई। देखो जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ, इनके अंडर जो आपकी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री और इंटरनल ट्रेड है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अभी हम ऑर्गेनाइज पढ़ रहे हैं, इनका वो नहीं पढ़ रहे हैं कि किसने इसको वो किया था, लॉन्च किया था। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये DPIIT ने किया था पहली बार स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 10 से 16 जनवरी के बीच में। अभी जो स्टार्टअप इनोवेशन फेस्टिवल का प्राइमरी गोल था कि कंट्री के जो भी की स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर इन्वेस्टर्स हैं, इनको एक जगह लाया जा सके ताकि सेलिब्रेट कर सके एंटरप्रेन्योरशिप और प्रमोट कर सके इनोवेशन को अपने देश में। ओके इस फेस्टिवल के थ्रू एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाएगा जिससे नॉलेज हम लोग शेयर कर सके, किस तरीके से स्टार्टअप इकोसिस्टम्स को नर्चर करना है, कैसे हम लोग एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम डेवलप कर सकते हैं। ये सब करने के लिए अपने वहां पर DPIIT ने पहली बार स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक को शुरू किया है। अच्छा लास्ट ईयर भी 16 जनवरी को क्या हुआ था, लास्ट ईयर प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम रखी गई थी, ठीक है, लास्ट ईयर भी ये किया गया था। एक बात बताइएगा, कौन सी ऐसी स्कीम है जो कि जनवरी में लॉन्च की गई थी? द क्वेश्चन इज, ऐसी कौन सी स्कीम थी जो जनवरी में लॉन्च की गई थी? एनीवन हु कैन आंसर? यस दैट वुड बी स्टार्टअप इंडिया, तभी तो हर जगह हम लोग स्टार्टअप स्टार्टअप देख रहे हैं ना। तो ये जो हमारी स्टार्टअप इंडिया स्कीम है, इसको पहली बार लॉन्च किया गया था कब, 16th ऑफ जनवरी 2015 को, और इसी से लॉन्च किया गया था ताकि अपने वहां पर जो स्टार्टअप्स हैं वो ग्रो कर सके, उनको हम लोग मतलब लोगों के अंदर थोड़ी एंटरप्रेन्योरशिप वाली जो है वो दे सके, मतलब भावनाएं ला सके और लोगों को खुद लगे कि वो लोग जॉब लेना नहीं जॉब देने के लायक है। ओके तो वही है, लास्ट ईयर अभी प्रारंभ सीड फंड लाया गया था, अभी इस बार DPIIT ने क्या किया, स्टार्टअप इनोवेशन वीक स्टार्ट कर दिया ताकि लोगों को एक जगह लाया जा सके, बताया जा सके क्या फायदे हैं, ये नर्चर किया जा सके इनिशियली। ओके ये सारी जो है रीजन होंगे इसके। अगर हम बात करते हैं स्टार्टअप वर्ल्ड की, तो 2021 को रिकॉग्नाइज किया गया है ईयर ऑफ यूनिकॉर्न्स में, क्योंकि यहाँ पे 40+ यूनिकॉर्न्स जो है हमारे देश में ऐड किए गए थे। ठीक है, इसके अलावा इंडिया जो है इमर्ज कर रहा है ग्लोबल इनोवेशन हब की तरह, बोस्टिंग वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम। DPIIT ने रिकॉग्नाइज किया है 61,000 स्टार्टअप्स अभी तक का, अगर देखें कि मतलब एज अप टू डेट, तो DPIIT जो है इन्होंने रिकॉग्नाइज किया अपने वहां पे 61,000 स्टार्टअप्स को। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब अगर हम लोग कुछ रीसेंट न्यूज इनसे रिलेटेड बात कर लेते हैं, तो ये जो DPIIT है ये लॉन्च किया है क्या चीज, यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म हैकेथन, जिसका नाम था लॉजिस्टिक्स, जिससे क्राउड सोर्स किया जाएगा ज्यादा आइडियाज और वो बेनिफिट करेगा लॉजिस्टिक इंडस्ट्री को। इसके अलावा गुरु प्रसाद मोहापात्रा जो कि सेक्रेटरी थे DPIIT के, इनकी कोविड की वजह से डेथ हो गई थी, एक भी ये भी याद रखे रहिएगा। इसके अलावा एक और भी चीज देख लो कि अभी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2021 आई थी, इसमें टॉप पर आपका सिलिकन वैली था, अपने वहां पर बेंगलुरु था जिसकी रैंक 23rd थी, लास्ट ईयर इनकी रैंक 26 थी, इस बार 23rd थी। ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो 30 ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में किसकी रैंक, बेंगलुरु की रैंक 23rd थी, सिलिकन वैली की रैंक 1st थी, और सिलिकन वैली के बाद में न्यूयॉर्क था, फिर लंदन था। ठीक है, ये लगातार 4 साल से इस तरीके से आ रहे हैं। ठीक है, अब इसके अलावा देखिएगा, अगर हम लोग बेंगलुरु की बात करते हैं कि बेंगलुरु अभी पिछले कुछ सालों में कैसे नर्चर हुआ है, तो जो ग्लोबल एवरेज अपने वहां पे थे $10.5 बिलियन, ये हमारे वहां पर जो है इनका अर्निंग था। इसके अलावा ये जो सिटी है यहाँ पे 4,000 से ज्यादा स्टार्टअप है, सबसे ज्यादा जो स्टार्टअप है ये हमें कहाँ देखने को मिलेंगे, बेंगलुरु के ही अंदर मिलेंगे। ठीक है, चलो तो ये आप लोग याद रखिएगा, सिलिकन वैली, न्यूयॉर्क, ठीक है, कैलिफोर्निया के इर्द-गिर्द। किसी को कोई दिक्कत दुख परेशानी? चलो अब देखो अगला क्या आपसे पूछ रहा है, इंडिया कह रहा है कि एस्टिमेट करेगा एडिशन अबाउट हाउ मच ऑफ टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इन 2022,
1 GW, 6 GW, 10 or 4? What is the answer? ओके सो अब देखो आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इंडिया ने कहा है ये अपने एंड से कितना लगभग टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 2022 में जो है एडिशन करने को कहा है, तो इन्होंने 10% तक करने को कहा है। ठीक है, अगर हम लोग खबर को पूरी पढ़ लेते हैं तो इंडिया ने बताया है इट इज एस्टिमेटेड टू एड अबाउट 10 GW ऑफ टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इन 2022, डाउन 10% ईयर ऑन ईयर अकॉर्डिंग टू क्लीन एनर्जी कंसल्टेंसी फर्म ब्रिज टू इंडिया। अभी जो कंसल्टेंसी है इनकी जो अर्ली एस्टिमेट थी टोटल कैपेसिटी एडिशन की 2021 में ये 11.2 GW थी, जिसको कि इन लोगों ने स्प्लिट कर दिया था। अगर हम लोग बात करते हैं तो तमाम तरीके के ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि ऑलरेडी जो है रिलीफ ऑन अकाउंट पर है, मॉड्यूल सप्लाई डिस्ट्रप्शन पे। हम लोग की जो उम्मीद थी जिस तरीके से एडिशन की जाएगी वैसे नहीं हो पाई, बेसिक उसका जो रीजन था वो कोविड था। तो अभी एक फॉर्म है, क्या नाम है, ब्रिज टू इंडिया। इन्होंने क्या बताया है कि अब इस साल जो भारत है ये 10 GW और ऐड कर लेगी अपने वहां पर एनर्जी कैपेसिटी में, जो कि 10% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अभी डाउन देखने को मिल रहा है। जो हमारी प्रीवियस इसकी एस्टिमेशन थी उसके हिसाब से ये कम होता जा रहा है। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है कि ये रिपोर्ट किसने जारी करी है और कितने की एडिशन की बात हो रही है, ये दो चीजें आप लोगों को बस ध्यान रखनी होंगी जो एग्जाम में आपके वहां पर पूछी जा सकती है। ठीक है, चलो अगर हम लोग हाल फिलहाल की बात कर लें तो सबसे पहले देखो एनटीपीसी ने एक एमओयू साइन किया था IUCL के साथ ताकि वो कोलैबोरेट कर सके रिन्यूएबल एनर्जी की फील्ड में। ठीक है, और मिल करके एक्सप्लोर कर सके अपॉर्चुनिटीज फॉर सप्लाई ऑफ लो कार्बन कैप्टिव पावर। पहले तो इसको याद रखे रहो। कुछ और अगर हम लोग बात करें तो जैसे हमने देखा कि इंडिया जो है 10 GW इस साल ऐड करेगा रिन्यूएबल एनर्जी का। अगर हम लोग बात करते हैं सिमिलरली इंडिया को बताया गया था कि 2021 से 25 के पीरियड में जो इंडिया है ये इसका एम है कि इस टाइम में 20 GW विंड एनर्जी इंस्टॉल कर सके। ठीक है, तो एक तो इस पॉइंट को याद रखे रहो। फिर इंडिया जो है ये यूरोपियन यूनियन के साथ में मिल करके क्या किया था, सेटअप करने को कहा था क्लीन एनर्जी एंड क्लाइमेट पार्टनरशिप। तो अगर आता है कि किस कंट्री के साथ में इंडिया क्लीन एनर्जी एंड क्लाइमेट पार्टनरशिप सेटअप करेगा तो ये इंडिया जो है यूरोपियन यूनियन के साथ में करेगा, नॉट कंट्री यूनियन के साथ में करेगा। एक और भी बात को याद रखिएगा, जो टीवीएस मोटर है, कौन सी टीवीएस मोटर, इन्हें कौन सा अवार्ड मिला है, ग्रीन एनर्जी अवार्ड मिला है। कौन सा, ग्रीन एनर्जी अवार्ड किसको मिला है, टीवीएस मोटर को मिला है। फिर हम लोगों को क्या याद रखना होगा कि जो इंडिया और बहरान है, ठीक है, इंडिया और बहरान ये दोनों मिलकर के साइन किए हैं किस चीज पर, रिन्यूएबल एनर्जी पर। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स को याद रखी रहो, ये इंपॉर्टेंट है। चलो अगला देख लेते हैं हम लोग। रिसेंटली इनमें से कौन सी नॉर्थ ईस्ट की स्टेट है जिसने एक एमओयू साइन किया है एनडीडीबी के साथ ताकि 2000 करोड़ डेयरी प्रोजेक्ट पे वर्क कर सके, सिक्किम, त्रिपुरा, असम और नागालैंड। ओके, तो देखो जैसे आप देख सकते हो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि रिसेंटली इनमें से कौन सी नॉर्थ ईस्ट स्टेट है जिन्होंने एक एमओयू साइन किया है एनडीडीबी के साथ में 2000 करोड़ डेयरी प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए, तो ये किसने किया है, ये असम ने किया था। ओके, आओ असम सरकार ने अभी अभी एक एमओयू साइन किया है किसके साथ में, एनडीडीबी के साथ में, ताकि एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी ला सके जो एग्जीक्यूट करेगी 2000 करोड़ प्रोजेक्ट जिसमें वो प्रोसेस करेगी 10 लाख लीटर ऑफ मिल्क पर डे। इस प्रोजेक्ट के पार्ट पर 15,000 हाई मिल्क यील्डिंग गिर काउज जो है इनको इंडक्ट किया जाएगा असम के अंडर। इसके अलावा जो एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग मिनिस्टर पुरुषोत्तम रूपाला हैं, इन्होंने कहा है कि 2 कैटल फीड और ऑर्गेनिक मैन्योर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी शुरू किए जाएंगे इस एमओयू के थ्रू। असम चीफ मिनिस्टर हिमांता बिस्वा शर्मा ने बताया है कि 6 नए मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट्स बनाए जाएंगे स्टेट के अंदर अगले 7 साल में, जिससे कि अर्निंग डेयरी फार्मर्स की अच्छी की जा सके। ओके, तो ये पॉइंट्स को आप लोग ध्यान रखे रहेगा। और ये भी कहा गया कि जो 6 नए प्रपोज मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट बनेंगे, ठीक है, मिल्क फ्रॉम मोर देन 4100 कोऑपरेटिव सोसाइटीज विल बी प्रोसेस्ड पैक्ड एंड मार्केटेड। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। अब क्वेश्चन यहाँ से क्या क्या बन सकता है, सबसे पहले तो एनडीडीबी ने किस स्टेट के साथ में पैक्ट किया है, फिर कितने रुपए का होगा इनका ज्वाइंट वेंचर, ओके, कितने लीटर ऑफ मिल्क को ये लोग प्रोड्यूस करने को कहे हैं पर डे, कौन सी पर्टिकुलर काउ ब्रीड है जिसको इंडक्ट किया जाएगा, इसके अलावा कितने कैटल फीड और ऑर्गेनिक मैन्यूर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाले जाएंगे,
फिर ये पूछा जा सकता है कि कितने नए मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट्स डाले जाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यहाँ से हम लोग को याद रखनी होगी। असम की बात करें तो गवर्नर जगदीश मुखी जी हैं और असम के चीफ मिनिस्टर हिमांता बिस्वा शर्मा जी होते हैं। ओके, ये हम लोग को पता है। असम थर्ड नंबर की ऐसी स्टेट है जहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स होती हैं। ठीक है, असम के अलावा सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है? एमपी और अंडमान के अंदर। ठीक है, तो ये पॉइंट्स को जरा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। ओके, अब असम ने कहा है कि ये अपने वहां पर एक टी पार्क खोलेंगे चायगांव कामरूप डिस्ट्रिक्ट के अंदर। फिर एडीबी ने असम को 112 मिलियन डॉलर दिया था यहाँ की स्किल यूनिवर्सिटी डेवलप करने के लिए। ओके, इन पॉइंट्स को ध्यान रखे रहना। किसी को कोई दिक्कत दुख परेशानी? ये हमसे ना हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा? चलो आ जाओ, अब देखते हैं जरा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वन 2021 इंटरनेशनल क्राफ्ट अवार्ड फॉर द बेस्ट क्राफ्ट विलेज ऑफ द ईयर? असम आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज सालाकुशी, केरल आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज कोवलम, तमिलनाडु आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज त्रिचुगिरी, या रघुराजपुर आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज ओडिशा। ठीक है, या ध्यान से देखिएगा क्या क्या ऑप्शन दिया है। इनमें से कौन सी ऐसी पर्टिकुलर विलेज है जिसको कि इंटरनेशनल क्राफ्ट अवार्ड बेस्ट क्राफ्ट विलेज ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया इस साल? हाँ, द आंसर विल बी व्हाट? केरल। ठीक है, तो जो केरल आर्ट और क्राफ्ट विलेज ऑर्गेनाइजेशन है कोवलम केरल से, इन्हें अवार्ड किया गया है इंटरनेशनल क्राफ्ट अवार्ड 2021 का फॉर बेस्ट क्राफ्ट विलेज इन द वर्ल्ड बाय वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इंटरनेशनल। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा कि इतना याद ना हो पाएगा। अंशुल, तुम हमेशा एक ही बात बताते हो, इतना याद ना हो पाएगा। तुम इतने उसको लेकर श्योर हो गए हो याद ना हो पाएगा, तो फिर पढ़ाई क्यों जाता है बताओ? कम से कम कोशिश तो करो कि हाँ हो जाएगा। पहले से तुम एकदम श्योर रहते हो कि ना हो पाएगा ना हो पाएगा। एनीवे, चलो कोई बात नहीं, नहीं हो पाएगा तो क्या किया जा सकता है भाई, कोशिश करो। लेकिन दैट इज ओनली आई कैन से। आज अभी देखते हैं हम लोग। देखो, तो जैसे हमने देखा जो केरल की आर्ट और क्राफ्ट विलेज ऑर्गेनाइजेशन है कोवलम केरल से, इन्हें अवार्ड किया गया इंटरनेशनल क्राफ्ट अवार्ड बेस्ट क्राफ्ट विलेज के लिए। ठीक है, ये इट इज द ओनली अवार्ड इंडिया रिसीव्ड इन द नॉन इंडिविजुअल कैटेगरी। ये जो KACV आपकी केरल आर्ट क्राफ्ट विलेज ऑर्गेनाइजेशन, इसको स्टैब्लिश किया गया था उरालुंगल लेबर कॉन्ट्रैक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट केरल में 2021 में। विलेज ऑफ द ईयर जो है ये क्राफ्ट कोमुंती इन मलेशिया को दिया गया है। ठीक है, तो ये आप लोग पॉइंट्स को जरा ध्यान रख के रहो। अगर हम लोग विलेज रिलेटेड एक दो और बातें याद कर लें तो जरा याद रखे रहिएगा आप लोग कि हमारे वहाँ पर जो तेलंगाना है, आज ही हम लोग पढ़े हैं तेलंगाना का पोचमपल्ली, कौन सा पोचमपल्ली, इनको क्या अवार्ड दिया गया था? ये बेस्ट टूरिज्म विलेजेस का अवार्ड इन्हें सिलेक्ट किया गया था। क्या था? बेस्ट टूरिज्म विलेज इन्हें, एक तो ये याद रखो ये अवार्ड दिया गया था। फिर अगर याद रखे रहेगा तो जो वेयन विलेज है, वेयन विलेज, ठीक है, कहाँ पर? बंदीपुरा। ये पहला ऐसा था जिन्होंने अपने वहां के सारे एडल्ट को वैक्सीन दी थी। ये वेयान विलेज बंदीपुरा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। इन्होंने अपने सारे एडल्ट्स को, जो भी यहाँ पे एडल्ट्स लोग थे, उन सभी को क्या दिया था? उन्हें पहले जो डोजेज हैं वैक्सीन की वो प्रोवाइड कराई थी। इसके अलावा एक और क्या चीज़ याद रखनी होगी, बालिका पंचायत पहली बार हमारे देश में हुई थी। क्या हुई थी? बालिका पंचायत। तो इसको भी याद रखो, ये जो बालिका पंचायत था ये कुनारिया विलेज में हुआ था। तीन इंपॉर्टेंट विलेजेस हैं जिन्हें आपको इसके साथ याद रखना है। ठीक है, क्या क्या अब विलेज कैटेगरी, मतलब ये कैटेगरी आया था तो मैं सोचा एक बार डिस्कस कर लेते हैं इसको हम लोग। ठीक है, बालिका पंचायत कुनारिया में, तेलंगाना पोचमपल्ली बेस्ट टूरिज्म, वेयान विलेज जम्मू कश्मीर पहला है जिन्होंने इनोक्यूलेट किया था सारे के सारे एडल्ट्स को अपने वहां पर। ठीक है, इन पॉइंट्स को सभी लोग ध्यान रखे रहो, इंपॉर्टेंट है सारी की सारी चीज। ठीक है, आ जाओ अब जरा हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे बाकी जो कैटेगरी ऑफ द अवार्ड थे और उनके विनर्स थे, उसकी लिस्ट लगी हुई है आप लोग देख सकते हो। क्राफ्ट आइकन दिया गया है चंद्रमाली लिया नेश को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोशल इंक्लूजन दिया गया है मलेशियन प्रिजन को, क्राफ्ट पर्सन दिया गया है शहर बानो को, क्राफ्ट डिजाइनर दिया गया है जोरा सईद को, नेक्स्ट जनरेशन क्राफ्ट डिजाइनर दिया गया है किलिंग जैन को, मास्टर आर्टिसन दिया गया है अमिता सचदेवा को। ठीक है, तो इन लोगों को आप लोग याद रखे रहेगा। ओके, रीड द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। India's real GDP is expected to grow around 9.5% in 2021 on a year-on-year basis. Real GDP is an inflation-adjusted measure that reflects the value of all goods and services produced by an economy in a given year.
India's economy is expected to clock a growth of 9.2% in terms of real GDP for FY 2022. आपको बताना है इसमें से क्या सही स्टेटमेंट्स हैं. ऑप्शन देखो, ए एंड बी, सी एंड बी, ए एंड सी, ऑल ऑफ द अबव. क्या चीज? अच्छा हाँ, चाइल्ड मैरिज फ्री. यस यस, ओडिशा का गंजम ये डिक्लेयर किया था खुद को चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट. सही बता रहे हो. अभी जैसे मैं आपसे विलेज की बात कर रही थी, ठीक है, तो उस लेवल पे मैंने आपसे बात नहीं की थी. चलो खैर, अब जरा देखिएगा आपसे क्या पूछा जा रहा है. आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से क्या सही पॉइंट है, ये आपको बताना है. ओके, यहाँ पे जो हम लोग को जानना होगा वो ये जानना होगा, रियल जीडीपी क्या होता है. बेसिकली एक मैक्रो इकोनॉमिक मेजर होता है इकोनॉमिक आउटपुट का, जो कि प्राइस चेंज के लिए हम लोग देखते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे आपसे जो पूछा जा रहा है कि क्या क्या सही है, बताइएगा. देखो आगे हम लोग पॉइंट पढ़ लेते हैं, फिर इसको आके हम लोग सॉल्व करते हैं. सबसे पहले तो याद रखिएगा कि अभी बताया गया कि जो इंडिया की रियल जीडीपी है ये ग्रो करेगी अराउंड 9.5% इन 2021 ऑन अ ईयर ऑन ईयर. ये जो रिपोर्ट है ये एक दिन बाद आई है आफ्टर एनएसओ रिलीज द फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट ऑफ नेशनल इनकम फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021-22. इंडिया की इकोनॉमी कहा जा रहा है कि एक्सपेक्ट करेगी 9.2% से, ठीक है, रियल जीडीपी के बेसिस पर. इसके अलावा जो एनएसओ डेटा है ये इंडिकेट किया है जो रियल जीडीपी है, यानी कि जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस इन ईयर 2021-22 इट रोज टू 147.54 लाख करोड़ फ्रॉम 135.13 लाख करोड़ इन 2020-21. एनएसओ कहा है कि ये रिलीज करेगी पहली रिवाइज एस्टिमेट FY 19-2021 की 31 जनवरी को. 31 जनवरी को क्या आएगा? इकोनॉमिक सर्वे आएगा, ठीक है. फिर FY 23 के लिए जो फिस्कल कंसोलिडेशन होगा वो रिमेन लिमिटेड रहेगा 30-40 बेसिस पॉइंट. अब हमें क्या इतना ज्यादा जानना है? हमें जानना है क्योंकि एग्जाम में आप लोगों के पूछा जा रहा है, ठीक है. तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए एंड सी, ठीक है. देखो सबसे पहले तो आपसे बोला गया था, इस पॉइंट को याद रखो, कि जो एनएसओ की अपनी रिपोर्ट आई है उन्होंने बताया कि इंडिया की जो रियल जीडीपी है ये ग्रो करेगी 9.5% पे 2021-22 के बेसिस पे. अगला देखो, ये कहा जा रहा है कि जो इंडिया की इकोनॉमी है ये ग्रोथ 9.2% पर रहेगी रियल जीडीपी के बेसिस पे 2022 में. एनएसओ की डेटा ने इंडिकेट किया कि जो रियल जीडीपी है वो पिछले साल के मुकाबले हमारी काफी बड़ी है. लास्ट ईयर 135 थी, इस साल कितनी हो गई है? 147 हो गई है. फिर इन्होंने कहा है कि जो पहला रिवाइज एस्टिमेट है 19-20-21 का 31 जनवरी को लेकर आएंगे. FY 23 में जो फिस्कल कंसोलिडेशन है हमारा ये कितना रहेगा? ये 30-40 बेसिस पॉइंट पर रहेगा. देखो अब मैं आपको फिस्कल कंसोलिडेशन तो नहीं कहूंगी, हाँ, लेकिन रियल जीडीपी एक ऐसी चीज है जो हम लोगों को पता होनी चाहिए. तो ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है, रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये एक मैक्रो इकोनॉमिक मेजर होता है. जो भी इकोनॉमिक आउटपुट है उसको प्राइस चेंज के हिसाब से, मैक्रो इकोनॉमिक समझते हो, पूरे देश में हम लोग इसको मेजर करते हैं. पूरे देश के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं जो भी इकोनॉमिक आउटपुट है उसको हम लोग प्राइस चेंज के हिसाब से करके और फिर बताते हैं अपना एक एस्टिमेट कि कितना रहा होगा कितना नहीं रहा होगा. वही एस्टिमेट है 147, जो कि पहले कितना था? 135, ठीक है. देखो जिसकी भी यहाँ पे थोड़ी सी भी वीक है इकोनॉमिक्स उसको बहुत चीजें ऊपर ऊपरी लगेंगी, ठीक है. हो सकता है तुम्हें ऊपरी लगे लेकिन कोई घबराने की बात नहीं है. ओके, तुम लोगों को रटना है कि कितनी कितनी रहेगी. अगर इकोनॉमिक्स समझना है तो बैंकिंग अवेयरनेस देखो, इकोनॉमिक्स की क्लास देख लो, ठीक है. आ जाओ एनएसओ की हम बात करते हैं. तो एनएसओ ने एस्टिमेट किया था इंडिया का जीडीपी ग्रो करेगा 9.2% पे करंट फिस्कल में, ठीक है, पहले तो याद रखो. फिर एसएनपी ने कितना बताया था ये आप लोग देख सकते हो, इसको देख लेना, कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है. अगला देखो, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअली इनॉग्रेट किया सेकेंड कैंपस चित्रांचल नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट का, कहाँ पर? भुवनेश्वर, पटना, डिसपुर, कोलकाता. देखो किस बेसिस पे आपसे बोल रहा है, किस ईयर का बोल रहा है इसको देखा करो, ठीक है, वो ज्यादा जरूरी होता है. हाँ देखो भाई, आपसे पूछा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली इनॉग्रेट किया सेकेंड कैंपस चित्रांजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट का, ये कहां पर किया गया है? ओके, ये इन्होंने किया है, हाँ भाई, कोलकाता में किया. सही बता रहे हो सब लोग. तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं ये वर्चुअली इनॉग्रेट किए हैं सेकेंड कैंपस चित्रांजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट का कोलकाता के अंदर, इन प्रेजेंस ऑफ वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी. इसके अलावा जो सेकेंड कैंपस है इनका CNCI यानी चित्रांजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट का, इसको 530 करोड़ पर बनाया गया है, जिसमें से 400 करोड़ यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है, बिकॉज इसकी जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट थी ये 75:25 के रेशियो में थी. अब बताया जा रहा है काफी सारे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड किए जाएंगे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है. आप लोग इतने याद रखे रहो कि सेकेंड कैंपस है CNCI का, इसको 530 करोड़ में बनाया गया है, जिसमें से 400 करोड़ यूनियन गवर्नमेंट ने दिया है. दैट इज इट, इससे ज्यादा हमें यहाँ नहीं जानना है, ठीक है.
अच्छा, अब अगर हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ी और यहाँ पे इनसे रिलेटेड, कुछ कोलकाता से रिलेटेड हो सकता है कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाएं। बाकी आपसे यही पूछा जाएगा कि ये सीएनसीआई फैसिलिटी कहाँ पर इनॉग्रेट किया है, किसने इनॉग्रेट किया है, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है? अच्छा, अगर मैं आपसे बात करती हूँ तो हमारे देश में टोटल एम्स कितने होते हैं? अगर मैं आपसे बोलती हूँ कि भारत में नंबर ऑफ एम्स कितने हैं फिलहाल में, ऑप्शन ले लो, देखना सब लोग। ऑप्शन है पहला, कहाँ गई मेरी पेन, हाँ, 20, 21, 22, 23 या नन ऑफ दी अबव, आपको देखना होगा कि भारत में ओवरऑल नंबर ऑफ एम्स कितने हैं, ठीक है? आओ अगर हम लोग कोलकाता से रिलेटेड कुछ बातें कर लें, तो यूनेस्को ने ऐड किया था दुर्गा पूजा कोलकाता का अपने 2021 लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, गिविंग इंटरनेशनल रिकॉग्निशन टू बिगेस्ट रिलीजियस फेस्टिवल ऑफ 331 ईयर ओल्ड सिटी एंड स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है? तो ये जो दुर्गा पूजा है कोलकाता का, इसको यूनेस्को ने अपने लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल किया था। अगला, जो 130th एडिशन है ड्यूरंड कप का, ये विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन कोलकाता में हुआ था, वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी जी ने जो है इसको इनॉग्रेट किया था, ठीक है? तो ये जरा आप लोग याद रखिएगा, कितनी टीम्स पार्टिसिपेट करी थी, 16 टीम्स की थी, ओके? अगला देखो, चंद्रशेखर पाटिल हु वॉज पॉपुलरली नोन एज चंपा वॉज अ प्रोमिनेंट राइटर हु बिलोंग टू विच इंडियन लैंग्वेज, कन्नड़, गुजराती, मराठी और कोंकणी। बताओ भाई क्या पूछ रहे हैं आपसे तुम लोग, यार तादाद बहुत ही कम होती जा रही है, बिल्कुल 10 बजे तक बैठना बिल्कुल यूजलेस लग रहा है मुझे, कुछ करो ऐसे कैसे चलेगा, इतनी कम तादाद में कैसे पढ़ाया जाएगा, पसीने पसीने होकर मैं क्लास में बैठ के पढ़ा रही हूँ भी 10 बजे। नंबर ऑफ वॉचिंग देख लो, इसके बाद मुझे बिल्कुल भी मन नहीं होता पढ़ाने का, तो थोड़ा सा शेयर वेयर कर दिया करो। अभी देखो आपसे पूछा जा रहा है, चंद्रशेखर पाटिल जिनको कि चंपा कहा जाता था, प्रोमिनेंट राइटर थे, किस लैंग्वेज को बिलोंग करते थे? आओ इनके बारे में जरा हम लोग, कन्नड़, श्योर, वेरी गुड, ये कन्नड़ को ही बिलोंग करते थे। देखो भाई अगर हम लोग इनकी थोड़ी बात कर लेते हैं, तो प्रोमिनेंट कन्नड़ राइटर चंद्रशेखर पाटिल जिनको कि चंपा कहा जाता था, इनकी 82 ईयर्स में 82 ईयर्स ऑफ एज में अभी इनकी डेथ हुई है। चंपा जी जो है ये कन्नड़ लैंग्वेज एक्टिविस्ट थे, पोएट और प्ले राइट थे, साथ ही साथ में ये प्रेसिडेंट ऑफ कन्नड़ साहित्य परिषद भी थे, और इसके अलावा चेयरमैन कन्नड़ डेवलपमेंट अथॉरिटी के, ठीक है? एज अ लिटरेरी फिगर ही वॉज द फोरमोस्ट एक्सपोनेंट ऑफ बंदेया और प्रोटेस्ट मूवमेंट इन कन्नड़ लिटरेचर, तो इसलिए इनके बारे में जानना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? याद रखे रहना। ही बिलोंग्स टू विच पर्टिकुलर लैंग्वेज, ये जनरल क्वेश्चन है जो ऑबिट्वेरी में कभी भी पोएट्स वगैरह से पूछे जाते हैं, ये मतलब एक ऐसा क्वेश्चन है जो आता है इन जनरल, ओके? अगर मैं आपसे बात कर लेती हूँ अभी हाल फिलहाल में और किसकी किसकी डेथ हुई है, तो फर्स्ट ब्लैक मैन जिन्हें बेस्ट एक्टर ऑस्कर मिला था, सिडनी पॉइचियर, इनकी मृत्यु हुई है। शिलोंग चैम्बर चॉय फाउंडर नील नोंगिर, इनकी मृत्यु हुई है। इसके अलावा इंडियन नेवी 1971 वॉर वेटरन वाइस एडमायरल एसएच शर्मा, इनकी डेथ हुई थी। सेवन टर्म राज्यसभा एमपी एंड इंडस्ट्रियलिस्ट महेंद्र प्रसाद, इनकी डेथ हुई है। हीमैन आर्टिस्ट और टॉय डिजाइनर मार्क टेलर, इनकी डेथ हुई। फिर मलयालम डायरेक्टर के एस सेतु माधवन, इनकी डेथ हो गई थी। इसके अलावा गोथिक नॉवेल ऑथर एनी राइस, इनकी डेथ हुई। इसके साथ में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, तो ये तो बहुत ही मशहूर हो गया था, सभी को याद है ना, हेलीकॉप्टर क्रैश। फॉर्मर आंध्र प्रदेश सीएम कोनिजेती रोसाइया, इनकी डेथ हुई। वेटरन ब्रॉडवे कंपोजर एंड लिरिसिस्ट स्टेफन सोंडहेम, इनकी डेथ हुई। इसके अलावा याद रखिएगा आप लोग, फॉर्मर हॉकी इंटरनेशनल सरनजीत सिंह, इनकी भी डेथ हुई थी। ये हाल फिलहाल की पर्टिकुलर हमारे वहां पर जो है ऑबिचुरी की लिस्ट है, जिनको आप सभी लोग याद रखिएगा, ठीक है? जनवरी 15 तक देख लेना एक बारी, ठीक है? जनवरी 15 तक देखना, सेफ रहेगा किसी के लिए भी। आ जाओ अब देखो, द फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी न्यू दिल्ली हैज वन स्कॉश अवार्ड इन सिल्वर कैटेगरी फॉर इट्स वर्क टूवर्ड्स कॉम्बेटिंग क्राइम एंड वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन, कॉम्बेटिंग क्राइम अगेंस्ट ब्लैक मनी, कॉम्बेटिंग क्राइम एंड वायलेंस अगेंस्ट टेररिज्म, कॉम्बेटिंग क्राइम अगेंस्ट साइबर सिक्योरिटी। व्हाट इज द आंसर? द क्वेश्चन इज व्हाट, जो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी न्यू दिल्ली है, इन्हें स्कॉश अवार्ड मिला है सिल्वर कैटेगरी में, इनकी वर्क टूवर्ड्स व्हाट? हाँ भी देखो इसका आंसर क्या होगा, देखो भी
वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन कैटेगरी में ये अवार्ड मिला है। देख लो, जो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है इन्हें स्कॉच अवार्ड दिया गया सिल्वर कैटेगरी फॉर इट्स वर्क टूवर्ड्स कॉम्बेटिंग क्राइम एंड वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन। इट वॉज गिवन ऑन 78th स्कॉच समिट ऑर्गेनाइज विद थीम ऑफ स्टेट ऑफ गवर्नेंस। ठीक है, तो ये याद रखे रहेगा क्या इनका पर्टिकुलर था। ठीक है, अब देखो दीपा वर्मा जो कि डायरेक्टर है रोहिणी बेस लैब की, इन्होंने इस अवार्ड को एक्सेप्ट किया। आपसे पूछा जा सकता है कि इस पर्टिकुलर लैब की डायरेक्टर कौन है, यहाँ से सवाल बन सकता है क्योंकि इन्हें ये अवार्ड मिला है। ठीक है, फिर ये भी ध्यान दिए रहिएगा आप लोग, अरे तब भी बहुत लोग गलत आंसर्स बताते हैं, अभी तुम लोग को लग रहा है ना कार्ड पे लिखा तो है उसके बाद भी सब गलत बताते हैं। ओके, तो बस आप लोगों को इतना याद रखना है कि फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को स्कॉच अवार्ड मिला है सिल्वर कैटेगरी में। इनका जो भी वर्क रहा है कॉम्बेटिंग क्राइम एंड वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन, इतना याद रखो। कौन यहाँ पे चीफ होती है, ये है आपकी कौन, दीपा वर्मा जी। इन लोगों को याद रखे रहो जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर मैं आपसे बाकी अवार्ड्स की भी थोड़ी बातें कर लेती हूँ, तो एक्ट्रेस हर्षाली मल्होत्रा बजरंगी भाईजान की मुन्नी, ठीक है, इन्हें 12th भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड दिया गया 2022 का। फॉरेंसिक साइंस लैब को स्कॉच अवार्ड मिला है जो अभी हम देख रहे हैं। साउथ इंडियन बैंक को UI पथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया था। KVSSU को नेशनल अवार्ड दिया गया था ब्रीड कंजर्वेशन के लिए। पेटा आलिया भट्ट जी को इंडिया का 2021 पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। पद्म भूषण अनिल प्रकाश जोशी जी मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से नवाजे गए थे। IT रुड़की अपना पहला स्थान लिया था मोस्ट इनोवेटिव इंस्टीट्यूशन बाय CII के द्वारा। 7-time चैंपियन लुइस हैमिल्टन रिसीव किए थे नाइटहुड एट विंसर कैसल। भूटान ने कॉन्फर्म किया था PM मोदी को अपने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सभी लोग इसको ध्यान रखे रहना। ओके, चलो अब आज के हम लोग जो है क्वेश्चंस देख लेते हैं। आज का सेशन काफी छोटा है ना, देखो आपसे पूछा जा रहा है किन्होंने इनॉग्रेट किया था रिसर्च बेस्ड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एट नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी इन गांधीनगर। ऑप्शंस देख लो, रामनाथ कोविंद, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, अमित शाह। क्या आंसर होगा बताइएगा। द क्वेश्चन इज व्हाट, किन्होंने इनॉग्रेट किया था एक रिसर्च बेस्ड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी इन गांधीनगर। आंसर विल बी राजनाथ सिंह जी। ठीक है, नेक्स्ट, बुद्धादेव गुहा जिनकी अभी हाल फिलहाल में मृत्यु हुई है, ये कौन सी लैंग्वेज को बिलोंग करते थे। इसकी बात आपसे कर रहा है, बुद्धादेव गुहा जी की डेथ हुई है, ये कौन से लैंग्वेज को बिलोंग करते थे, दैट इज द क्वेश्चन। दैट वुड बी बंगाली। ठीक है, याद रखे रहिएगा। फिर यूनेस्को ने ऐड किया था दुर्गा पूजा कोलकाता में जो होता है अपने 2021 लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। नाउ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज फ्रॉम इंडिया हैज इंक्रीज टू व्हाट, 14, 13, 12, 11, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ओवरऑल जो हमारे वहां पर है ये कितने हो चुके हैं इंडिया में, जब अभी आपके दुर्गा पूजा को ऐड कर दिया था उसके बाद से कितने हो गए टोटल, नहीं बताओगे। हाँ, क्योंकि हम लोग ये जब अभी खबर पढ़ रहे थे उसी में ही पढ़ रहे थे। Tangible 14, ओके वेरी गुड। ठीक है, याद रखना, हाँ 14। ठीक है, अगला देखो, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज प्रपोज टू हैव इट्स ओन ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म, केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। ये तो कितनी ही बार हो चुका है। हाँ, काफी लेट में आता है, द आंसर विल बी केरल। ठीक है, ये केरल का अपना होने को कहा गया था। ठीक है, चलो खैर ये चीजें आज की थी। ठीक है, इन न्यूज को तुम लोग ध्यान देना। विल मीट यू पीपल अगेन, बाकी कुछ और न्यूज थी, मतलब कुछ और थी वो आप लोग PDF में देख लेना, कुछ और भी पर्टिकुलर क्वेश्चन थे। ठीक है, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो एक एक बार सेशन को लाइक कर देना। कोई भी दिक्कत दुख परेशानी तो यू कैन टेल मी, विल बी वर्किंग ऑन द सेम। ठीक है, एंड डू शेयर द सेशन विद योर फ्रेंड्स सो दैट अदर्स कैन ऑल्सो ज्वाइन अस इन द सेशन। ठीक है, चलो लोग फिर मिलेंगे अपनी क्लास में 8 PM पे। टिल देन हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत, गॉड।